यदि आपका लड़का शादी करने के लिए नहीं बोलता है तो क्या करें? इसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अंदाजन 30-32 साल तक माँ बाप लड़के के शादी के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। वो नाना बोलते रहता है, उनको लगता है कि नहीं अभी सेटल होने का है, नौकरी लगने की है, अभी बिजनेस चालू किया तो वो ज़रा लाइन पर आने का है। मगर उसके बाद में भी यदि बच्चा ना बोलता है तो माँ बाप के सामने बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई नहीं क्यों बोल रहा है शादी के लिए। फिर ऐसे समय माँ बाप ने क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं आज बातचीत करूँगा। एक तो क्या है कि लड़का होमोसेक्सुअल हो सकता है और वो बता नहीं रहा है, मतलब उसको गे है, वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता ही नहीं है, लड़की के साथ में सेक्स करने की उसकी इच्छा ही नहीं है और वो गे हो सकता है और फिर उसमें वो शादी करना नहीं चाहता है, मगर वो साफ साफ बोलता नहीं है और फिर पेरेंट्स को प्रॉब्लम आता है कि भाई शादी नहीं क्यों बोल रहा है। फिर उनको इधर उधर से मालूम करना पड़ता है, उसके मोबाइल देखो, व्हाट्सएप मैसेजेस देखो, ये कहाँ लॉगिन कर रहा है, कौन से कहाँ से कॉल आ रहा है, ऐसा उसको इधर उधर से पकड़ो तो फिर उनको एक आध दिन मालूम पड़ जाता है सीक्रेट कि भाई ये होमोसेक्सुअल है, तो एक वो प्रॉब्लम हो सकता है। और यदि ऐसा निकल गया तो होमोसेक्सुअलिटी के लिए फिर हमारे पास में पेरेंट्स लाते हैं। यदि लड़का ऐसा बोलता है कि यस मैं अभी हेट्रो बनने के लिए तैयार हूँ, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग करके हिप्नोटिज्म से हम उसको हेट्रोसेक्सुअल के लिए बनने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। तो एक हो गया ये। दूसरा हो गया कि उसको लिंग परिवर्तन करना है और वो उसके लिए ना बोल रहा है, उसको लगता है कि मैं लड़की हूँ, लड़की होता तो अच्छा रहता था और अभी मुझे लिंग परिवर्तन करके मेरे को लड़की बनने का है, और इसलिए वो बोलता भी नहीं है साफ साफ और शादी के लिए भी तैयार नहीं होता है और उसकी ज़रा हरकतें थोड़ी लड़की जैसी रहती है। पालकों को लगता है कि ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, इसको मूछ आई हुई है, दाढ़ी आई हुई है, सब है, मगर वो ऐसा उनको दिमाग में भी नहीं आता कि ऐसी हरकत है या इसके दिमाग में ऐसा चल रहा है। तो वो भी पालक वर्गों को देखना पड़ेगा कि भाई इसको अपना सेक्स चेंज करना है क्या और उसके चक्कर में ये है क्या, तो ये दूसरा हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि उसकी सेक्स करने की इच्छा ही नहीं हो रही और वो अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है। अभी ये प्रॉब्लम जो है ना वो बड़ा ट्रिकी है, क्योंकि ना वो होमोसेक्सुअल है ना वो सेक्स चेंज करने की इसमें पहले दो कैटेगरी में नहीं है और तभी भी वो ना बोल रहा है। उम्र 32-33 साल की है। आज ही मेरे पास में एक लड़का लाया तो उसको पूछा हूँ कि भाई क्या हो गया, तो बोले इच्छा नहीं होती, बोले मेरे को लड़की की तरफ देखने की इच्छा होती नहीं। अच्छा, हिस्ट्री है क्या होमोसेक्सुअलिटी की? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, होमोसेक्सुअल कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं, मगर पहले से उसके घर में ऐसा है, उसका उसकी परवरिश ऐसी हो गई है बचपन से कि उसको पहले से मतलब लड़कियों से बात मत करो, लड़कियों से बात करना अच्छा नहीं है। फिर अपने क्लास की भी लड़कियां थी, उनके साथ में उसने कभी बात नहीं किया, उसको कभी मतलब ऐसा लगा भी कि भाई बात करना है तो प्रेशर आता था घर से कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई लड़कियां जानबूझ के इसको कॉपी मांगती थी, नोटबुक मांगती थी, नहीं देना नहीं है लड़कियों, मतलब ऐसे ही पहले से। और उसके ऊपर यह था पहले से कि भाई सेक्स बुरा है, सेक्स के बारे में बात करनी ठीक नहीं है, सेक्स यह काम मतलब गंदा है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। तो एक ऐसा उसके मन में पहले से ही था और वो प्रॉब्लम उसका निकल आया कि भाई मेरे को इच्छा ही नहीं है, तो ये साइकोथेरेपी से ठीक हो सकता है। चौथा कारण है कि उसको ठीक है, उसको न तो दाढ़ी है, मूछ है, उसको कांख में बाल है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डेवलप है, तभी भी उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम है और कम लेवल होने से उसकी इच्छा कम हो सकती है और उसके लिए फिर अपने को इलाज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई लेवल कम क्यों है, बाहर से देना है कि टेस्टोस्टेरोन। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक ठीक है, कोई ऐसे मतलब खराब नहीं है, तभी भी वो इच्छा उसकी नहीं है, तो एक वो हो सकता है कि भाई सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बावजूद भी मतलब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम है और उसके लिए उसकी इच्छा नहीं है। फिर चौथा हो सकता है कि उसको सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है नहीं, लिंग एकदम ही छोटा है, 1 इंच से भी छोटा है, मूछ नहीं है, दाढ़ी नहीं है, और ऐसे इसमें पालक समझो अज्ञान है तो उनको समझता नहीं कि नहीं क्यों बोल रहा है, उसकी इच्छा नहीं, उसको मन में भी आता नहीं है और उसको सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप ही नहीं हुए, तो वो शादी के लिए ना बोल सकता है। फिर पांचवा रीजन ये हो सकता है कि भाई इसमें बचपन में कुछ सेक्सुअल एब्यूज हुआ है और उसको सेक्स के बारे में एवर्शन या डर बैठा हुआ है और इसलिए वो चाहता ही नहीं है। बचपन में एब्यूज हो गया, लैंगिक अत्याचार हो गया, तब से उसके दिमाग में बहुत बैठ गया कि नहीं ये गलत है और कुछ तो भी गंदा हो गया है, कुछ तो भी घबराहट वाला हो गया है, और उसने तब से बिल्कुल सेक्स के बारे में बात करना ही छोड़ दिया। सेक्स के बारे में वो लड़कियों से बात नहीं करता, किसी से बात नहीं करता, ना होमो है, ना हेटरो है, ना कुछ है।
ऐसे कारण हो सकते हैं, पालकों ने देखना चाहिए कि पालक वर्ग ने कि भाई अपना बच्चा कौन से कैटेगरी में जाता है, और लास्ट जो है वो है कि उसको साइकेट्री के लिए नहीं सही किया। साइकेट्री के लिए उसको डिप्रेशन हो सकता है, उसको स्किजोफ्रेनिया हो सकता है, और उसमें फिर वो ड्रग्स पे है, मेडिसिन से एंटीसाइकोटिक्स है, और हो सकता है कि एंटीसाइकोटिक्स उसको सेक्स की भावनाएं दबा देती है और उसकी इच्छा नहीं बनती है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे अनेक कारण है, ये कारण यदि पेरेंट्स कंसल्ट करके निकालते हैं कि भाई क्या एग्जैक्टली कारण है, और वो कारणों को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो पॉसिबल है कि वो शादी को तैयार हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।